हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द बेस्ट। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह है पतंजलि का एलोवेरा जेल। जैसा कि आप सब जानते हो, एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए कितना इफेक्टिव होता है। अब ये पतंजलि का एलोवेरा जेल वाकई हमारी स्किन पे अच्छा असर दिखाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरे पास से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 100% जेन्युइन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही मैं कोई रिव्यू आपको देता हूँ। जो प्रोडक्ट सही होता है उसके बारे में सही बताता हूँ, जो प्रोडक्ट गलत होता है उसके बारे में सीधे सीधे आपको बोल देता हूँ कि ये गलत है, लेने कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मेरी ऑलरेडी आप एक वीडियोस देख सकते हो नीचे जाके, साबुन है, क्रीम है, जो कि इफेक्ट नहीं करती, तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ ये इफेक्ट नहीं, बेकार है, खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऑनेस्ट रिव्यू के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पतंजलि का एलोवेरा जेल है, इसका सबसे पहले क्या यूज़ है, क्या इसके अंदर कोई केमिकल है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका जो कलर है, इसके कलर को देख के तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर केमिकल मिले हुए, क्योंकि ओरिजिनल एलोवेरा जेल तो इतना, जब आप उसका गूदा निकालोगे तो वो पूरी तरीके से ऐसा हरा, बिल्कुल क्लियर हरा नहीं होता। तो डेफिनेटली देख के तो लगता है कि इसके अंदर कलर मिला हुआ है। और रही बात इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है पतंजलि की, आप देख सकते हो। तो ये पैकेजिंग इसलिए इसमें इतनी अच्छी है, तो इसके इसको स्टोर करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत तो इसके अंदर केमिकल डालते ही होंगे, ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक टिक सके और बाज़ार में लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप ताज़ा एलोवेरा तोड़ो, उसमें से गूदा निकालो, कुछ दिनों में वो बदबू करने लगता है, बेकार हो जाता है। आप चाहे फ्रिज में ही रख दो क्यों ना, फिर भी उसकी जो स्मेल अलग आने लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती। तो कई सारे लोगों को ऐसा होता है। वैसे तो एलोवेरा का जो हमें यूज़ करना चाहिए वो डायरेक्ट तोड़ना चाहिए और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार कई लोगों को जो डायरेक्ट एलोवेरा तोड़ते हैं उससे लगाने से पिंपल्स आ जाते हैं, या कई लोगों को सूट नहीं करता, या बहुत से लोग होते हैं जिनको उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, उन्हें वोमिटिंग फील होती है, उल्टी सी आने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए एलोवेरा का जेल जो है बहुत ही बेस्ट है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एलोवेरा का पौधा घर में कौन उगाए, झंझट हो, या इस तरीके का सोचते हैं कि टाइम नहीं है उनके पास, तो उनके लिए भी एलोवेरा का जेल मार्केट में जो अवेलेबल है वो बहुत ही अच्छा है। तो बाकी कई सारे एलोवेरा के जेल अवेलेबल है, बट पतंजलि का जो मैंने यूज़ किया है, इसका अभी तक मुझे किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया है। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, पिंपल्स, रिंकल्स मिटाए, खूबसूरती त्वचा पाएँ, खूबसूरत त्वचा पाएँ, ठीक है। तो इसका जो यूजेस है वो भी इसके पीछे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यूजेस किस तरीके से दिया हुआ है। आप देख सकते हो पिंपल्स, रिंकल्स, मॉइस्चराइजर व त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य तथा बालों के लिए एलोवेरा का जल का प्रयोग करें। सप्ताह में एक बार रिंकल्स एंड पिंपल्स में लाभदायक है। और इसमें आपको प्रयोग करने की विधि बताई हुई, देख सकते हो आप। चेहरे पर एलोवेरा जेल से मसाज करें सोने से पहले, और लेयर बनाकर सोए, सुबह गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, नहाने से आधे घंटे पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ दें। त्वचा के विकारों, खुरदरापन आदि में, दाग धब्बों में लाभदायक है। तो ये जो पतंजलि का एलोवेरा जेल है दोस्तों, ये आप रात में लगा के सोए, या सुबह आप लगाए, या हफ्ते में दो बार लगाए, तीन बार लगाए, जिनके चेहरे पे दाग धब्बे ज़्यादा रहते हैं, नो छाइयाँ आ जाती है गाल के ऊपर, काले काले से घेरे से आ जाते हैं, तो इसे लगाने से एक दो महीने, एक बार में तो नहीं होगा, धीरे धीरे लगाएंगे, लगभग दो तीन पैकेट इसका यूज़ कर लेंगे तो लगभग छाइयाँ काफ़ी हद तक गायब सी हो जाती हैं, कम हो जाती है, इससे बहुत ही मतलब मिट जाती है। बाकी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उन झाइयों को हटाने के लिए, जैसे कि एक इंडोस वैली की क्रीम आती है, तो झाइयों को हटाने के लिए बहुत दावे करती है, बट एक्चुअली बेकार है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप ऑलरेडी उसको देख सकते हैं। उससे कई गुना बेटर ही पतंजलि की जो है एलोवेरा जेल की क्रीम, एलोवेरा जेल है, जो कि झाइयों में आपको, झाइयों को, रिंकल्स को हटाने में काफ़ी मदद करेगी। जिनके आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं उसके लिए भी एलोवेरा का जेल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा का जेल आप आंखों के आसपास चारों तरफ लगा सकते हो। बाकी अदर कोई क्रीम अगर आप आंखों के आसपास लगाते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सही है या नहीं है। वैसे ताज़ा एलोवेरा से ही होता है, जेल तो वैसे नहीं लेना चाहिए, बट मार्केट में जेल अवेलेबल है तो लोग इजीली उसे लेते हैं। तो इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी तरह का बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप बालों में इस एलोवेरा जेल को लगा सकते हो। जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, घने नहीं हो रहे, टूट रहे हैं, बिल्कुल ड्राई रहते हैं ना, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इस एलोवेरा जेल को अच्छी तरीके से बालों में मसाज कर लो और 15 मिनट तक रहने दो। उसके बाद फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से, जिस शैम्पू में केमिकल ना हो, ऐसे शैम्पू मार्केट से लेके आएँ और उस शैम्पू से आप अपने बालों को धोएं। और ख़ास करके बालों से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। एक शैम्पू है, कौन सा शैम्पू बेस्ट है, वो शैम्पू के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जिनके बाल टूटते झड़ते हैं उनके लिए। तो ये पतंजलि का एलोवेरा जेल दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किसी भी तरीके का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, इसमें किसी तरीके का कोई आपको नुकसान नहीं होगा।
तो ये था पतंजलि का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।